कुंडली भाग्य में हमारी प्रीता को लग गया है जोर का झटका, और वो भी जोर से। वो क्या है ना, इतनी तो खुशी थी घर वालों के बीच में कि भैया घर में गुड न्यूज आने वाली है, लेकिन एन मौके पर डॉक्टर ना प्लेड अ स्पॉइल स्पोर्ट। सडनली उन्होंने कहा प्रीता को कि सॉरी, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, आप तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। डॉक्टर साहब, मतलब किसी को खुशी देते देते आप यूं छीन ले, ये अच्छी बात नहीं है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो प्रीता, कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऑलरेडी कंफर्म करके आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी किट होती है ना, वो तो 99.9% करेक्ट होती है, उसमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही आता है। पर 0.1% का क्या प्रीता? ये सारी रिपोर्ट्स ये प्रूफ कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। आपको बता रही हूँ ना कि मेरी दाई माँ ने भी मुझे मतलब टेस्ट किया था, वो उन्होंने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तीनों कंफर्मेशंस गलत हैं। प्रीता को जैसे शॉक लगा है, ठीक वैसे ही आपको भी शॉक लग गया होगा कि अरे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट जिस पर सभी महिलाएं भरोसा करती हैं, वो आखिर कैसे फेल हो गया? प्रेगनेंसी किट होती है ना, वो तो 99.9% करेक्ट होती है, उसमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही आता है। पर 0.1% का क्या प्रीता? तुम्हारा किट कंफर्मेशन भी गलत है। उसके बाद अब उस दाई माँ का क्या, जिसने प्रीता के नब्स चेक करके ही कह दिया था कि प्रीता को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। मेरी दाई माँ ने भी मुझे मतलब टेस्ट किया था, वो बहुत पुरानी लेडी है, इस फील्ड में बहुत एक तजुर्बा है उन्हें। उन्होंने मेरी पलकें उठाकर भी देखा और उन्होंने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या वो सब फेल हो गया, जबकि डॉक्टर ने कह दिया है कि प्रीता तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट करवाए, चेकअप्स भी करवाए, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवाया कि तुम्हारा HCG लेवल चेक करने के लिए। बट आई एम सो सॉरी टू से कि मेरा डाउट सही निकला। ये सारी रिपोर्ट्स ये प्रूफ कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। घर वालों की खुशी ही, करण जो इतना खुश था कि पापा बनने वाला है, भला उन सब का क्या होगा। प्रीता को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि डॉक्टर से ही जांच में कोई गलती हुई है। I think there's some mistake somewhere. खैर, हमने तो पहले ही कहा था कि कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर आएगा, और वो ट्विस्ट यही है। अब प्रीता मम्मी नहीं बनेगी तो सोच लीजिए आगे क्या होगा। घर वाले तो बच्चों के आने का सपना देख रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या करेंगे करण और प्रीता? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके वाला ट्रैक यहाँ पर आ जाए? अब देखते हैं करण और प्रीता क्या रास्ता निकालेंगे नया। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।